तो ये है भाई स्कोडा रैपिड। आज हम इसकी टाइमिंग के बारे में बताएंगे आपको। ये यहाँ हाई प्रेशर पंप की टाइमिंग के वो के निशान है। हाँ, एक ऊपर भी निशान है, एक नीचे भी निशान है, और एक ये रहा केम साफ्ट में। यहाँ पर हम 5 की लंकी लगा के लॉक करते हैं इसको। और वो हाई प्रेशर पंप वाला आपने देखा ही, वहाँ हम वॉल से लॉक किए हैं। और ये जो तीर का निशान है ऊपर रहेगा है? हाँ, तीर का निशान पुली में जो है वो ऊपर रहेगा। हाँ, ये हाई प्रेशर पंप का लॉक हो गया। हाँ, और ये पूरी माउंटिंग खोलनी पड़ती है क्योंकि इसमें जगह कम होती है, बहुत ही कम जगह होती है। और ये है इसका स्पेशल टूल जो कि क्रैंक शाफ्ट लॉक करने के लिए होता है। अभी क्या है ना, इसमें सील लीकेज ऑयल, इंजन ऑयल लीकेज था तो हमने इसमें सील डाले हैं, केम शाफ्ट की सील। तो अब इसकी टाइमिंग हम फिट कर रहे हैं। अब बेल्ट का एडजस्टमेंट आप लोग देख ही लीजिए कि बेल्ट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना एरो का निशान दिखाना होगा। ये एरो ये है नहीं, जो टेंशनर है, टेंशनर में एक निशान है, उसे वहीं पर करना होता है, उंगली से जो देख रहे हैं आप। ये वाली हाँ। उस पर करके जैसे निशान पे आ जाए तो आप वहीं पे रोक के टाइट कर दो बोल्ट को। यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। अब पब्लिक कहेगी दो आदमी बोल रहे हैं, इसका मतलब कौन है? भैया मैं मुकेश चंद्र गोड़ हूँ, ये भी अपना ही चैनल है भाई, लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम दोनों एक ही साथ में ही हैं, मान लो काम कर रहे हैं। तो ये वेंटो का भी इंजन और स्कोडा सुपर का भी इंजन दोनों सेम ही है। तो ये देखो निशान जो देख रहे हो ना, टेंशनर का निशान, इस निशान पे लाके तब टाइट कर दो। अब टाइट कर दो, फुल टाइट कर दो बढ़िया करके, टेंशन नहीं कोई भी। तो जो है वेंटो का, स्कोडा सुपर, दोनों का जो है ना इंजन सेम, स्कोडा कौन सा, स्कोडा रैपिड का है, दोनों का सेम ही है, तो टेंशन नहीं है कोई भी। सुपर डीजल की भी टाइमिंग ऐसे ही है? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट है बस, है कि नहीं है। तो नीचे जो क्रैंक वाली है ना भाई, उसके लिए तो स्पेशल टूल आती है, वो आपको मंगाना पड़ेगा स्पेशल टूल, या फिर बनवाना चाहो तो बनवा भी सकते हो, क्योंकि गरारियों के दांतों में ही तो फंसता है। हाँ, गरारी के दांतों में फंसता है। और टूल नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं उस निशान के सामने, एक पुली में मार्क है और उसको एक कट के सामने कर देंगे उसको। ये कोई एडवांस रिटायर की जो पंप की है नहीं, पुली हाई प्रेशर पंप की, ये कोई एडवांस रिटायर की नहीं है। ये हम इजीली बेल्ट चढ़ाने के लिए खोल देते हैं। हाँ, तो ताकि बेल्ट प्रॉपर बैठ जाए। हाँ, आराम से बैठ जाए तो इसको हम टाइट करते हैं। कहीं से ऐसा होता है, कहीं वाटर पंप पे लूज हो जाती है बेल्ट, तो कहीं यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसको खोल देते हैं। हाँ, लूज करके टाइमिंग मिला के हाई प्रेशर पंप का, अब तब इसका बोल्ट टाइट कर दो, क्योंकि बेल्ट जो है अपनी जगह पे गरारी को ले लेगा। हाँ, जहाँ होगा, जैसे इंडिका में भी हुआ करता था, केम का बोल्ट लूज करके टाइमिंग मिला के तब टाइट करते थे। तो ये सिस्टम है इसमें, और ऐसे सनी के हेड में, हेड के केम के में भी यही सिस्टम है। हाँ, सनी में भी है। तो भाई तरीके से ही वीडियो जाने वाली है। और भैया गाड़ियाँ मत पूछो कौन सी, टाइमिंग तो छोड़ना ही नहीं है कोई भी, आपको कोई भी टाइमिंग मिस नहीं करेंगे, कोई भी टाइमिंग, सारी टाइमिंग दिखाएंगे बढ़िया करके। टाइमिंग इसीलिए टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग, क्यों जी तिवारी जी? हाँ, तो ये हरकेश तिवारी जी हैं। तो भाई ये अपना ही चैनल मानिए आप लोग, तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर हाल में, और बेल वाला घंटे का बटन तो दबा ही दीजिए। अब सारे टूल निकाल लीजिए आसानी से, निकाल दिए टूल हम। अब जो ना फिटिंग का पूरा सिस्टम दिखाएंगे भाई तसल्ली से, हम लोग जल्दीबाजी वाला काम नहीं है, आराम से दिखाएंगे सब चीज़ बारीकी से। अभी मेन पुल्ली का नीचे भी लेके चलूँगा, उसे भी तरीके से दिखाऊंगा कि मेन पुल्ली में कहाँ मार्का मिलाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यही है स्कोडा रैपिड, इसकी ये माउंटिंग लगाएंगे, माउंटिंग ब्रैकेट। तो हमने ये इंजन जो है ना स्टैंड पे रोक रखा है, इंजन का स्टैंड, तो उससे जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर जाना है इंजन या नीचे जाना है तो हम अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं उसको, तो उस हिसाब से फिर हम इसमें माउंटिंग वगैरह खोलते हैं फिर लगाते हैं। हाँ सही बात है, किसी को वो स्टैंड ना हो तो नीचे जैक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पर स्टैंड भाई थोड़ा वीआईपी में जाएंगे तो स्टैंड मिल जाता है टूल वालों के पास। इसका ऑयल सम्प जो होता है ना बहुत ही नाजुक होता है, वो क्रैक होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए इसमें स्टैंड का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, नीचे वाला जो चैम्बर है। हाँ सही बात है। अगर उसमें कुछ लगाते भी हैं जैक वैक तो उसके ऊपर फोम वोम रख के लगा सकते हैं। हाँ, कभी पता चले जैक लगाओ और अंदर घुस जाए चैम्बर में, जितने का बेल्ट नहीं उतने का वो चैम्बर फट जाए, तो सही बात है भाई। आप लोग नई सावधानी से करेंगे काम को, कोई भी, हम तो चाहते हैं कि कोई भी काम मिस्टेक ना हो, सावधानी से हो। देखो जैसे ए स्टैंड लगा दी हमने, देख रहे हो ना आप, अब इसको एडजस्ट करके ऊपर या नीचे ले सकते हैं हम आसानी से। देखो इजीली, ये देखो कुंदा लगा दिया, अब माउंटिंग आराम से टाइट कर लो। यह इसमें लगती है मीडियम गोटी 16 नंबर, और इसका मीडियम रैचेट भी आता है, तो इससे हम आसानी से इसको खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बस तो बढ़िया से आराम से टाइट कर दो, क्यों जी। हाँ जी, भाई वीडियो मत छोड़ना, बहुत तसल्ली से दिखाएंगे एक एक चीज, बिल्कुल ही वीडियो मत छोड़ना आप, एंड तक देखिए बहुत तसल्ली से। अभी क्रैंक का बोल्ट दिखाना बाकी रह रहा है, क्रैंक वाला, क्रैंक की टाइमिंग अभी थोड़ी देर में वो भी दिखा आने वाली है। हाँ, हमने कहा ऊपर से पहले निपटा लें फिर क्रैंक ही आपको दिखा देंगे, मेन पुल्ली लगा के थोड़ा सा एडजस्ट करो जैक, हो जाएगा इतने में। हाँ ठीक है ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, इतने में हो जाएगा तो बढ़िया है। बाकी यही है कि हम क्यों इतना दिखा रहे डिटेल में, और इसके लिए देखो ये टूल भी चलेगा, ये रेचर चलेगा, ये रेचर मीडियम रेचर होता है। हाँ, रेचर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, मैंने चलना चाहिए वहाँ, छोटा रेचर होता है। हाँ, तो इन सब गाड़ियों के लिए क्या है भाई, अच्छा टूल होना बहुत ज़रूरी है, क्यों। हाँ, तो ये तिवारी कार टेक्नोलॉजी को भाई आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर वीडियो हर हाल में जाएगी। और टाइमिंग ट्यूमिंग जो फंसने वाली चीज़ है ना, जैसे कई चीज़ कई बार फंस जाते हैं, तो वैसी वीडियो तो दूंगा ही दूंगा हर हाल में, क्यों जी तिवारी जी। हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, पब्लिक जब एक बार साथ मिल गया तो बस मिल ही गया। जो भैया लोग अभी तक जुड़ चुके हैं हमसे तो हम उनका देंगे ही देंगे, उनको जैसी रिक्वायर करेंगे वीडियो वैसी वैसी वीडियो देते रहेंगे। अभी आने वाला है टाइमिंग, तो मान लो 3-4 गाड़ी की टाइमिंग आने वाली है, ग्रांड की आने वाली है, अपना स्विफ्ट की आने वाली है, सन्नी की आने वाली, पेंडिंग में है, रखा हुआ है, थोड़ा टाइम है, 4-5 दिन का गैप देके आती रहेंगी ये सब टाइमिंग के वीडियो। और ऊपर नीचे एडजस्ट करना हो तो जैक को कर लेते हैं, ये देखो बड़ी साफ से, यहाँ से 2 बोल्ट ये टाइट हो जाएंगे, और नीचे का जो बोल्ट है यहाँ से स्टैंड को यहाँ से लूज करके नीचे करके इंजन, वो तीसरा बोल्ट वहाँ से कर देंगे टाइट। ये है पुली में कट दिख रहा है, ये छोटा सा कट, और उसको इसके सामने रख देंगे, ये जो जीरो सा बना हुआ है इसके किनारी पर, इस वाली किनारी पर, बस यहाँ पर ये होती है क्रैंक की टाइमिंग। आप निशान भी मिला सकते हैं, लेकिन क्या है ना इसके लिए स्पेशल टूल भी आता है, तो स्पेशल टूल मार्केट से ले लेंगे, परचेज कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी निशान से ज़्यादातर मिला देते हैं यार, टूल टप्पल का क्या, बस क्यों जी। हाँ, तो बस ये टूल है तो टूल से मिला लीजिए, वरना निशान देख के मिला लीजिए। अब सारा कुछ हमने ये टाइमिंग कंप्लीट कर दी है, और टाइमिंग कंप्लीट करने के बाद ये निशान जो है, ये पुली का निशान, डंपर पुली का निशान, और इस कट के सामने एकदम प्रॉपर फिक्स सही जगह पर है ये, तो यहाँ पर ये निशान और ऊपर का जो टाइमिंग है वहाँ केम शाफ्ट की और हाई प्रेशर पंप की सारे निशान मिलने चाहिए फिट करने के बाद, तो ये हो जाती है परफेक्ट टाइमिंग बढ़िया। अब देखो ये निशान मिल गया ना, तो इसका मतलब है ऊपर का केम लोक ही है, हाई प्रेशर पंप लोक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई टाइमिंग, यहाँ से आ गया तो ऊपर भी परफेक्ट है बिल्कुल। अब ये डीजल वाली पाइप का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको डीजल वाला पाइप, यहाँ कलर वाइज कलर, जैसे ब्लू कलर का है तो ब्लू में ही मिलाना है, कभी ऐसा हो कि ब्लू का रेड में मिला दो, ब्लैक में मिला दो, तो पाइप ही फट जाएगी वापसी की, क्यों जी, है कि नहीं है। रिटर्न लाइन फट जाएगी, जो ऊपर रिटर्न लाइन इंजेक्टर की है वो फट जाएगी फिर। अब फटते देरी ना भड़ाक देनी बोलेगी क्या फ़ायदा, पाइप फट जाए कि नहीं है। दूसरी चीज़, 2 घंटे में टंकी खाली कर देगी अगर रिटर्न लाइन इसमें से उसमें लगा दिए तो। वो टंकी क्यों खाली करेगी, कहाँ जाएगा तेल,
फट के बाहर निकल जाएगा। हाँ, 2 घंटे में टंकी खाली भाई। अभी यह कूलेंट बोतल फिट करके स्टार्ट करके आप लोग देख लीजिए, ताकि हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाए एक बार। और चैनल को भैया सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, लाइक वीडियो को करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का लाइक मिलेगा तभी हमें भी पता पड़ेगा कि वीडियो हमारा कैसा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, अरे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लाइक से ही तो सपोर्ट होती है। लोग दूसरा कोई देखेगा कहेगा हाँ अच्छा लाइक आया है वीडियो पे, तो ये है। अब सारे कुंदे जो है ना ये टाइमिंग कवर के लगाना होगा, इजीली लग जाएगा ये तो, बहुत मतलब सिस्टम आसान है इसका, है कि नहीं है। मेन जो था वही था, 3 लॉक हैं इसमें, 2 ऊपर है, 1 साइड में इधर नीचे, वो लगा रहे हैं हम। तो ये तीनों लगाने के बाद फिर अभी है लगा के, और ये देख लीजिए लगा दिया, इसको फिट कर दिया। हाँ, अब गाड़ी को हम अब स्टार्ट करके फिर डायरेक्ट दिखा देते हैं। कट कर दो यहाँ से, स्टार्ट करके दिखाते हैं। अब देखिए साउंड बढ़िया है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।